हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सुमन की दुनिया में। तो आप देख ही रहे हैं कि दोपहर में पिज्जा और नाइट में सब्जी रोटी, क्योंकि पिज्जा खाने के बाद ना सबका पेट बिल्कुल भरा था। तो सब लोग बोले, अच्छा पापा बोले कि खाना हल्का बनाओ कोई। तो फिर मैं पहले तो सोची मैं चलो खिचड़ी बना लेते हैं, फिर सोची चलिए आज खिचड़ी नहीं डालेंगे, सब्जी रोटी बना लेते हैं। फिर मैंने आलू प्याज की भुजिया बनाई और रोटी बनाई और साथ में है चाय। देखिए मेरी सब्जी रोटी चाय। लेकिन आलू प्याज की भुजिया सच में दोस्तों इतनी अच्छी बनी है, और मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला है, क्योंकि आजकल थोड़ा तबीयत सबकी सही नहीं चल रही है, इसलिए मैंने कोई मसाला नहीं ऐड किया है इसमें। बस मैंने आलू और प्याज साथ में कट कर लिया है और मेथी का तड़का दिया है। आज तो मैं मिर्ची भी डालना इसमें भूल गई, पता नहीं कहाँ दिमाग था, अर्थात कुछ जाना था जल्दी जल्दी, तो फिर इधर उधर जल्दी में मिर्ची डालना भूल गई। बाद में हल्का सा मैंने इतना सा गोल्डी मसाला ऐड कर दिया इसमें। इतनी अच्छी सब्जी बनी है, इतनी अच्छी कि क्या बताएं आपको। सच में आप लोग भी खा के देखिए, आइए खाइए और स्वाद बताइए। और बेटू बोला ना कि मम्मी मैं ट्यूशन से आऊंगा तो पापा से बोल देना पिज्जा ले आएंगे। तो दो तीन दिन से फरमाइश कर रहा था, लेकिन उसकी तबीयत नहीं ठीक थी ना, उसको क्या थोड़ा फीवर था और कुछ पेट में प्रॉब्लम थी, तो मना कर रहे थे हम दोनों। लेकिन दो तीन दिन से जिद पकड़े बैठा था, तो फिर आज हम सोचे चलो कल सोचे कि कल ही मंगवा दें, लेकिन फिर सोचे नहीं एक दो दिन और हो जाए, इसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाए तो मंगवाएं। फिर मैंने आज उसको पिज्जा मंगवा के ला दिया। अब वो घूम टहल रहा है, ट्यूशन गया, ट्यूशन से आया, फिर घूम टहल रहा है पिज्जा उज्जा खाने के बाद। फिर अब सब्जी रोटी देखो खाता है तो खाएगा, नहीं तो फिर वैसे सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेट तो भरा ही है उसका, थोड़ा बहुत दूध दूध पी लेगा और क्या करेगा। तो फ्रेंड्स, हम भी खाना खा लेते हैं, और आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना अपना समझ के। तब तक के लिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स कल एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।